बात करेंगे भरतपुर की, जहां सरकारी अधिकारी ही सरकार के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं। इन अधिकारियों पर 40 लाख रुपए के गबन का भी आरोप है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। भरतपुर में अधिकारी ही सरकार को चूना लगा रहे हैं। पहाड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान और अकाउंटेंट पर 40 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। पहाड़ी ट्रेजरी के उपकोष अधिकारी ने आरोप लगाए हैं कि बैंक मैनेजर से साजगांठ कर विकास अधिकारी और प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। इन अधिकारियों ने बिना ट्रेजरी के पास कराए चेक को बैंक में जमा कर 40 लाख रुपए कैश करवा लिए। इस गबन का खुलासा तब हुआ जब सहायक कोषाधिकारी के पास 28 मार्च को बैंक के पैसे ट्रांसफर का स्क्रॉल मिला, जिसमें 23 मार्च को पीडी अकाउंटेंट से पैसा ट्रांसफर हुआ था, जिस पर कैलाश मीणा ने जिला कोषाधिकारी भरतपुर को इस मामले में पत्र भी लिखा है। बैंकिंग पेमेंट स्क्रॉल आता है गवर्नमेंट का, तो उसमें मैंने देखा, चेक किया तो मुझे पता लगा कि जो है दो चेक 20-20 लाख के सीधे ही भुगतान हो गए, यानी ट्रेजरी से कोई चेक पास नहीं कराए। इस मामले में आरोपी विकास अधिकारी गोपाल राम बघेल ट्रेजरी की आपत्ति के बाद अब बचते नजर आ रहे हैं और खुद के द्वारा जारी किए गए चेक की राशि को वापस लौटाने की बात कर रहे हैं। सीधे खाते में नहीं दिया, हम तो ट्रेजरी के लिए दिए थे, वो बैंक वाले ने सीधे अपने पास रख लिए, हमने ट्रेजरी में पास करने के लिए दिए थे ट्रेजरी को। बेशक इस मामले में आरोपी प्रधान ने चुप्पी साध ली हो, लेकिन अब देखना होगा कि मामले के सामने आने के बाद आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अब कलेक्टर क्या कार्रवाई करते हैं। भरतपुर से देवेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।